हेलो दोस्तों, मेरे चैनल एवन ज्ञान में आपका मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो वीडियो होने वाला है एयरटेक के टावर वाले भूपर में। दोस्तों, इसमें जो प्रॉब्लम है वो है इसकी आईसी की। ये आईसी के नंबर मैं आपको बताता हूँ कितने हैं। दोस्तों, आईसी के नंबर है 7377, क्योंकि TDA 7377 है। दोस्तों, इस आईसी की वजह से ना तो इसके छोटे वाले स्पीकर चल रहे हैं, ना इसका सब ऊपर चल रहा है। तो दोस्तों, इस आईसी को करते हैं चेंज। दोस्तों, हमने आईसी को निकाल लिया है। आईसी को निकालने के बाद में दोस्तों इसमें लगाते हैं नई आईसी जो हमने मंगवा रखी है। दोस्तों, एक बार आपको फिर मैं बता दूँ कि ये जो नंबर आपको नज़र आ रहे हैं 7377, ये जो नई आईसी लगाई निकाल दी मैंने। दोस्तों, इसे करते हैं इसमें कनेक्ट। दोस्तों देखो, कॉपर की आईसी है, बढ़िया क्वालिटी की आईसी है। दोस्तों, ये जो आईसी है ये बहुत ही मुश्किल से मार्केट में मेरे को मिली। दोस्तों, इसे करते हैं कनेक्ट। दोस्तों, हमने आईसी को कर लिया है फिट। अब इसके करते हैं सोल्डिंग। ये हमने सोल्डिंग की। दोस्तों, बार सोल्डिंग बड़ी अच्छी तरह से करना है आपको, ताकि बाद में दिक्कत नहीं आया। दोस्तों, अच्छी तरह से सोल्डिंग कर ली हमने। अब करते हैं इसे वॉश। ये हमने तेल डाल लिया इस पर अच्छी तरह से, जो कि कार्पिन का तेल है। दोस्तों, इसी तरह से आप क्लियर करना ताकि बाद में कोई मसला ना खड़ा ना हो। दोस्तों, हमने कर लिया इसको क्लियर। अब आपको फिटिंग करके और फिर चला के आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों, इसी तरह से आप आईसी को लगा सकते हो। दोस्तों, ये जो छोटे छोटे स्क्रू है इसे कर लेते हैं टाइट, ताकि हीट सिंक हिल नहीं पाए। इसकी जो हीट सिंक है वो बेस के पंच की वजह से हिले नहीं, इसलिए स्क्रू लगाना जरूरी है। दोस्तों, अब ये पीछे वाला जो इसका बैक कवर है, इसके साथ इसको कनेक्ट करते हैं। ये स्क्रू जो इसमें लगे हुए थे ऑलरेडी हमने टाइट कर लिए। दोस्तों, हमने एक लगा लिया स्क्रू। अब बारी आती है इसको बैक कवर को फिट करने की कंप्लीट, जो कि एक टाइटर की मदद से हम इसको फिटिंग करेंगे। दोस्तों, ये टाइटर लिया हमने, टाइटर की मदद से इसे कंप्लीट फिटिंग कर लेंगे। दोस्तों, टाइटर मैंने इसीलिए लिया है ताकि आपका वक्त ख़राब ना हो, ना मेरा वक्त ख़राब हो, जल्दी से काम हो जाए। दोस्तों, इसे कंप्लीट करने के बाद में आपको हम चला के दिखाने वाले हैं ब्लूटूथ से कनेक्ट करके मोबाइल से। दोस्तों, हमने कर लिया है ब्लूटूथ। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को एवन ज्ञान को करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाइए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।